8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done the exercise 2.2, question number 1 to 8. Now, today we start question number 9. In a two-digit number, the digit at 10th place is 4 times the digit at the unit place. If 54 is subtracted from the number, the digit are reversed, then find the number. देखो ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक नंबर है. पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो नंबर होता है टू डिजिट नंबर, वो हम किस तरह से लिखते हैं. दैट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. सपोज वी हैव एनी नंबर इज 27. वी कैन राइट 27, दैट इज वंस पैलेस, दैट इज इन 10th पैलेस. देन कैन वी राइट 20 + 7? यस, बिकॉज दिस इज 10th पैलेस एंड दिस इज वंस पैलेस. सो 20 + 7, ये 20 किस से बना है? 2 की मल्टीप्लाई 10 से हो रही है ना, 10 से हो रही है 2 की मल्टीप्लाई, और उसके अंदर वंस ऐड हो रहा है. तो किसी भी नंबर की 10th पैलेस पे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 10 से होती है, और अगर 100th पैलेस होता तो वहाँ पे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 100 से होगी. 1000 पैलेस पे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1000 से होगी. सो यहाँ पे अब हमारा नंबर क्या बनेगा, कोई भी जो नंबर बनेगा. सपोज हमें क्या लेट करना है, 10th पैलेस पे जो 10th पैलेस है वही सपोज करना है, क्योंकि यूनिट पैलेस क्या दिया है 10th पैलेस का 4 टाइम. देन लेट द 10th पैलेस एक्स, सो यूनिट पैलेस इज 4x. टू डिजिट नंबर क्या बनेगा हमारा, टू डिजिट नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई है 10th की. सो 10th कितना था, एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट क्या थी 4x. तो 4x लिख दिया, 10 इंटू एक्स प्लस 4x, 10x एंड 4x इज इक्वल टू 14x. नाउ रिवर्सिंग नंबर, अब इसका रिवर्स क्या होता है, 27 का रिवर्स 72 होएगा, तो 72 को हम 70 + 2 लिखेंगे. तो अब इसका रिवर्स क्या होएगा, 10 इंटू यूनिट थी 4x, तो 10 की मल्टीप्लाई 4x के साथ, फिर प्लस में ये अब क्या होगी हमारी यूनिट x, तो 4 × 10 = 40 एंड देन 1x, 41x. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या कहा है कि इनका डिफरेंस किसका, रिवर्सिंग नंबर का और ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस है वो 54 है. सो रिवर्सिंग नंबर इज 41x माइनस 14x इज इक्वल टू 54. तो 41 में से 14 सब्ट्रैक्ट किए, देर विल बी 27 लेफ्ट, 27x इज इक्वल टू 54. 27 विद x हेयर इज इन मल्टीप्लाई, देन व्हेन वी टेक इन दैट साइड दैट इज इन डिवीजन फॉर्म. सो 27 वन जा एंड 27 टू जा, सो x वैल्यू इज 2. देन टू डिजिट नंबर, द टू डिजिट नंबर, टोटल टू डिजिट नंबर क्या था हमारा, 14x था ना, तो कितना हो जाएगा 14 × 2 = 28. एंड रिवर्स नंबर कितना था, 41x था, तो ये कितना हो जाएगा 41 × 2, दैट इज इक्वल टू 82. स्टूडेंट इन द 10th क्वेश्चन दे गिव यू वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ अदर टू, कि जो एक एंगल है ट्राइंगल का द सम ऑफ अदर टू, अदर टू के सम के इक्वल है. इफ द रेशियो ऑफ द अदर टू एंगल, जो दूसरे एंगल हैं अगर उनकी रेशियो 2:3 है, देन फाइंड द एंगल. हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल्स फाइंड करने हैं. तो अब हम यहाँ पे एक एंगल लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, कोई भी एंगल, पहले तो हम लेट एन एंगल एक्स लेट किया. तो फर्स्ट एंगल की रेशियो कितनी दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड की 2:3 दे रखी है. तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया 2x हो गया, और सेकंड एंगल कितना हो गया 3x, और जो थर्ड एंगल है वो इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, तो क्या होएगा 2x + 3x हो गया. सो अब इन्होंने क्या कहा है, हमें निकालना क्या है लास्ट में, तीनों के तीनों एंगल निकालने हैं. अब ये क्या है हमारा फर्स्ट एंगल है, ये क्या है हमारा सेकंड एंगल है, और ये कंप्लीट क्या है हमारा थर्ड एंगल है. अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट इन द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो तीनों एंगल को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2x + 3x + 2x + 3x, देयर विल बी 10x, 10x इज इक्वल टू 180. सो x वैल्यू इज 180 / 10, दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, इजीली एंगल्स फाइंड कर देंगे, 2 × 18 = 36, 2 × 18 = 3 × 18 = 54.
4, इन दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा. नाउ इन द टर्न इज 11th क्वेश्चन, डिवाइड 2400 इंटू टू पार्ट्स. हमें इस वैल्यू को टू पार्ट में डिवाइड करना है. सच एज 11% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो 11% ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 11% इक्वल है 13% ऑफ द सेकेंड पार्ट. किसके इक्वल है? 13% ऑफ द सेकेंड पार्ट. तो अब हमने क्या किया, टू नंबर लेट किए. पहले तो लेट टू नंबर x एंड y. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x प्लस वाई दोनों के पास टोटल कितने हैं? 2400 है ना. अब फर्स्ट का कितना है? 11% ऑफ x. सेकेंड कितना है? 13% ऑफ y. तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? अब हम यहाँ से सिंगल x की वैल्यू रखते हैं, सिर्फ x. तो 11/100 को उठा के इक्वल से उधर ले जाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100. रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 100/11. 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई? 13/11y. अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये x की वैल्यू 13/11y. इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को जो x की वैल्यू है उसको हम इसमें पुट कर देते हैं, x के पहले इस पे. तो x क्या है हमारा? 13/11y. हमने यहाँ पुट कर दिया 13/11y प्लस y यहाँ है. तो यहाँ इसका मतलब क्या है? ये 1y है. तो यहाँ पे हमने LCM कितना ले लिया? 11 हमने यहाँ LCM ले लिया. तो वैल्यू कितनी आई? 11 है तो सेम 13y रहेगी, प्लस यहाँ एक है, 1 है, तो 11 बन जा 11, 11y. 11 एंड 13 24, और ये इन दोनों का सम किसके इक्वल था? 2400 के. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 24 को इक्वल से उधर ले जाएंगे, 24 100 जा कैंसिल, सो 1100. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400 माइनस 1100, दैट इज इक्वल टू 1300. नाउ द टर्न इज 12th सम. ऑन डिवाइडिंग रुपीज़ 200 बिटवीन ए एंड बी. हमें डिवाइड करना है 200 रुपीज़ को ए एंड बी के अंदर. सच दैट ट्वाइस ए शेयर इज लेस देन 3 टाइम बी शेयर बाय 200. फाइंड द बी शेयर. बी के हमें शेयर फाइंड करने हैं. देखो डिवाइड करना है किसको? 200 को. किसके बीच में? ए एंड बी के. तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 200. बिल्कुल सेम ये हमारा 11th सम पे डिपेंड है. सो ट्वाइस ए शेयर इज लेस देन, ट्वाइस ए का ट्वाइस, टू टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी शेयर बाय 200. सो हम यहाँ क्या कर देंगे, 3b माइनस 200. तो अब a कितना था हमारा, सॉरी a प्लस बी कितना था? 200 था. यहाँ से अब 2a की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 3b माइनस 200. सिंगल a की वैल्यू निकालेंगे, 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, इक्वल से उधर जाके किस में हो गया, डिवाइड में हो गया. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? a के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. तो a कहाँ था हमारा? यहाँ था ना, a प्लस बी. a के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट की, देन प्लस बी इज इक्वल टू 200. आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी फाइंड 2 इज द एलसीएम एंड दिस वैल्यू वी राइट बी सेम एंड हेयर इज नो वैल्यू, सो देयर वी थिंक देयर इज 1. सो 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2b. सो 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 5b. 200 इक्वल से, और ये 2 इधर डिवाइड में, इक्वल से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन गिव्स 400. नाउ वी टेक दिस माइनस 200 व्हेन वी टेक दैट साइड, दैट इज इन पॉजिटिव फॉर्म एंड वी कैन राइट हेयर इन पॉजिटिव नंबर. सो 400 एंड 200 इज इक्वल टू 600. सो 5b इज इक्वल टू 600. सो b वैल्यू इज 600 डिवाइड बाय 5. सो वैल्यू इज 5 एंड देन 2 जा 120 इज द बी वैल्यू. सो ए वैल्यू इज, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है? 20 है. और बी की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 120 है, सॉरी. अब देखो ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए सॉरी बी वैल्यू इज 120. सो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू क्या होएगी हमारी? ए प्लस बी, ये किसके इक्वल था? 200 के इक्वल था. तो हमें b की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 200 में से अगर हम b का अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 200 माइनस 120 एंड दैट इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 80. नाउ द टर्न इज क्वेश्चन नंबर 13.
अंशु बाय सम चॉकलेट, अंशु ने कुछ चॉकलेट खरीदी हैं एट ₹10 पर चॉकलेट, चॉकलेट का जो रेट है ₹10 है। सी ऑल्सो बाय एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज़, और इसी के इक्वल उसने कैंडीज़ भी खरीदी हैं जो ₹5 पर कैंडी है। शी मेक 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट एंड 8% प्रॉफिट ऑफ कैंडीज़। एट द एंड ऑफ द डे ऑल चॉकलेट एंड कैंडी आर सोल्ड आउट ऑफ हर प्रॉफिट ₹240। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज, कितनी चॉकलेट्स परचेज की हैं आपको हम ये बताना है। नाउ लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट भी एक्स, हमने चॉकलेट के नंबर एक्स लेट कर दिए, तो कॉस्ट ऑफ एक वन चॉकलेट की कॉस्ट कितनी थी ₹10 थी, देन कॉस्ट ऑफ एक्स चॉकलेट एक्स की कितनी होएगी 10x हो जाएगी। नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, नंबर ऑफ चॉकलेट के इक्वल है, इट मीन्स एक्स ही वो है। अब कॉस्ट कितनी है वन कैंडीज की, 5 है, तो एक्स कैंडीज की कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20% प्रॉफिट हो रहा था चॉकलेट पे, तो 20% ऑफ 10x, क्योंकि चॉकलेट कितनी है हमारी 10x है, अब 20% हो रहा है उसको 10x पे, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 10x, 102 10 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल, सो 2x कितना हुआ उसको प्रॉफिट 2x। नाउ शी मेक 8% प्रॉफिट ऑन कैंडीज, अब प्रॉफिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, कैंडीज पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 8%, सो 8% ऑफ कैंडीज कितनी थी हमारी 5x थी, 8% ऑफ 5x, 8/100 मल्टीप्लाई बाई 5x, आफ्टर कटिंग द वैल्यू 2/5 दे गिव यू, देन टोटल प्रॉफिट कितना था उनके पास 240 था। अब हम 2x को और इसको ऐड कर देंगे और उसको 240 के इक्वल रख देंगे। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100, सो नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज्ड 100। नाउ इन द 14th सम द डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द न्यूमरेटर, 4 लेस देन द न्यूमरेटर, सो यहाँ न्यूमरेटर x लेट कर दिया तो डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा 4 माइनस x। इफ 6 इज एडिड टू द न्यूमरेटर बिकम थ्राइस द डेनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डेनोमिनेटर इज x माइनस 4, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 6 ऐड करना है और डेनोमिनेटर उसका थ्राइस हो जाता है, सो x प्लस 6 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x माइनस 4। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको फ्रैक्शन में कर देंगे। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर वैल्यू इज 9 वी गेट, सो डेनोमिनेटर इज 9 माइनस 4 दैट विल बी 5, तो 9/5। नाउ स्टूडेंट आई थिंक इनफ फॉर टुडे, सो यू कैन डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। सो स्टूडेंट स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।